सीधी में सुदूर सड़क निर्माण में जेसीबी मशीन से काम करने का झगड़ा सड़कों पर देखने को मिला। सरपंच और रोजगार सहायक के बीच झूमा झटकी और मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। सीधी जिले के रामपुर नौकिन जनपद अंतर्गत खड्डी खुर्द की सरपंच तेरसिया पनिका पंचायत में चल रहे सुदूर सड़क निर्माण मेन तालाब से महावीर टोला तक का निर्माण कार्य करीब एक सप्ताह से शुरू किया गया है। इस सड़क की लागत करीब 14,35,000 रुपए है। महिला सरपंच का कहना था कि सुदूर सड़क निर्माण कार्य को जेसीबी से नहीं कराया जाए, यदि जेसीबी से कार्य होता है तो गांव के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। इसी बात को लेकर करीब एक सप्ताह से सरपंच तेरसिया पनिका और रोजगार सहायक आशीष विश्वकर्मा के बीच बातचीत चल रही थी। शनिवार शाम को दोनों के बीच बातों ही बातों में झगड़ा शुरू हो गया। ये इतना बढ़ गया कि पहले इनके बीच झूमा झटकी हुई और फिर नौबत मारपीट तक पहुंच गई। वीडियो में आशीष कई बार सड़कों पर गिरे दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सरपंच भी सड़क पर कई बार गिरी हुई दिखाई दी है। खड्डी पुलिस चौकी पर दोनों ही पक्षों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इस रोजगार सहायक का वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है, तब प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।